आपने देखा होगा कि जब कोई छोटे छोटे बच्चे कभी कभी खेल खेलते हैं, किसी एक शीशे को लेकर, लेंस को लेकर के नीचे रख देते हैं कागज और सूरज की तरफ लेंस को रख करके उसका फोकस बनाकर और नीचे कागज पर पूरी एकाग्रता साध लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सूरज की किरणें उस लेंस से होकर कागज पर पड़ती हैं तो पहले तो कागज काला होने लग जाता है, थोड़ी देर के बाद उसमें छेद हो जाएगा और आग लग जाती है। इसी को लेकर तो सोलर एनर्जी के द्वारा दुनिया भर के काम होने लग गए। अब तो कुछ प्रयोग हवाई जहाज उड़ाने के हो रहे हैं, सोलर एनर्जी के लिए कितनी कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, बिजली पैदा हो रही है, आपके कितने सारे काम हो रहे हैं, भोजन पक रहा है। वही धूप जिसमें आप सारा दिन बैठते हैं और आपको जलाती नहीं, वही आग जलाने लग जाए, उसका फोकस क्रिएट किया जाए, एकाग्र कर दिया जाए, किरणें समेट कर एक जगह उनको केंद्रित कर दिया जाए, आग जलाने लग जाती है, बिजली बनाने लग जाती है, भोजन पकाने लग जाती है। आपके मन की बिखरी हुई वृत्तियां, मन का बिखरा हुआ ध्यान जब एकाग्र कर दिया जाए तो जैसे सूरज की किरणें एकाग्र कर दी जाएं, इकट्ठी कर दी जाएं, एक जगह उनको जोड़ दिया जाए तो वो अग्नि जलाने लग जाती है, ऊर्जा बन जाती है। ऐसे ही अगर आपका मन एक जगह एकाग्र हो जाए तो वो सूरज की किरणों से भी कहीं बड़ा काम करने लग जाती है। मन को एकाग्र करना सीख जाए, जिस तरफ भी लगा दोगे उधर चमत्कार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, बच्चों को बोलते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी ध्यान से चलाना, हर जगह बोलते हैं ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से काम करना। ध्यान से का मतलब है कि अपनी सजगता और अपना पूरा मन एक जगह टिकाकर जो काम कर रहे हो उसी पर अपना मन केंद्रित कर लीजिए तो परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि संसार में सफल होने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, और अगर मुझे पाना चाहते हो तो भी मन को एकाग्र करना सीख जाओ, बात बन जाएगी। एक जगह जोड़ना सीख जाओ, एक जगह मन लगाना शुरू कर दीजिए। मन वहीं लगेगा जिस चीज में आपको लगाव होगा, प्यार होगा, या फिर जिसमें आपको बैर हो, जिससे दूर भागना चाहो, जिससे आप दूर हटना चाहते हैं, वहां भी मन जाता है बार बार। दुश्मन को आप घर छोड़ के आइए, आप रहते हो कहीं और शहर में, मान लीजिए मद्रास में आप रहते हैं, वहां किसी से दुश्मनी है और आप आ गए मुंबई में, तो आपके पहुंचने से पहले आपका दुश्मन का चेहरा आपको यहीं मुंबई में याद आने लग जाएगा, क्योंकि आप की दुश्मनी जिसके साथ है आंखों के सामने चेहरा बार बार आता रहेगा। बैर हो या प्यार हो, दोनों जगह से आप छूट नहीं पाते, मन की ऊर्जा उधर जाने लग जाती है। बैर पर ज़्यादा जाने लग जाए तो बैर बढ़ जाएगा, प्यार पर ज़्यादा ध्यान जाने लग जाए प्यार बढ़ जाएगा। भगवान में मन को लगाने की कोशिश करेंगे तो भगवान की भक्ति जीवन में आएगी, लेकिन लगेगा तब जब भगवान के प्रति पहले प्रेम जागृत करना शुरू करें। इसलिए इसका एक नियम होता है स्तुति करना, स्तुति भगवान की करते रहें तो स्तुति का परिणाम, उसका फल होता है प्रीति, प्रेम का जागृत होना। स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना, जिस चीज़ की तारीफ करने लग जाते हैं उससे लगाव होने लग जाता है ना, मन वहाँ केंद्रित होने लग जाता है। तो भगवान की तारीफ करो, कैसे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की तारीफ करता है ना उससे कुछ लेने के लिए, तू बहुत भोली है, तू बहुत अच्छी है, तू मेरे को बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी भोली माँ है, मेरी अच्छी माँ है, और माँ कहने लग जाती है ये तो सब हो गया, अब चाहता क्या है। तो जैसे आप गुणगान करते हैं तो गुणगान करने से माँ के प्रति प्यार भी जागता है, और प्यार से प्यार पैदा होता है, प्यार ही बदले में सब कुछ देता है।
तो ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कीजिए, स्तुति कीजिए, गुण कीर्तन कीजिए, महिमा का गान कीजिए, आपके हृदय में भी प्रेम जागेगा और प्रेम ही प्रेम को खींचेगा। वही प्रेम है जो परमात्मा का प्रेम आपकी तरफ बहाने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो यदि आप चाहते हैं आपका मन एकाग्र हो तो भगवान की स्तुति कीजिए। भगवान की स्तुति करने के लिए रास्ता ढूंढना है, कौन सा? भगवान के द्वारा किए गए समस्त उपकारों को, कृपाओं को याद करना शुरू कर दीजिए। अब नियम याद रखना, आपके जीवन में मिलने वाले समस्त वरदानों में 10 चीजें गिनो, ये भी दिया, 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 मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख लो। और ध्यान में रखकर फिर बहुत भावुक होकर परमात्मा के प्रति धन्यवाद करना। हाथ पांव ठीक से चल रहे हैं, सेहत अच्छी है, काम अच्छे से हो रहे हैं, सब तरह की विघ्न बाधाओं के बीच से निकलते निकलते जिंदगी बेहतर ढंग से चलती जा रही है, मेरे पिता परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद है जो तूने मुझे संभाल रखा है। जिन पर भरोसा किया था वो तो भरोसा तोड़ गए, लेकिन तूने कभी मुझे नहीं छोड़ा, किसी न किसी तरह से मुझे संभाले रखा। तुझसे बढ़कर रक्षक कोई नहीं है भगवान, तू ही मेरा रक्षा करने वाला और तू ही मेरी लाज रखने वाला, मेरा मान सम्मान संभालने वाला भगवान तू ही है, तेरा लाख लाख शुक्र है। और एक एक बात को कहकर घुटनों के बल बैठ करके माथा टेक कर जमीन पर धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में भक्ति शुरू हो जाएगी। याद करना कि पतित पावन है भगवान, मुझ जैसे साधारण आदमी को भी असाधारण बना दिया तूने, मुझ अपात्र को भी कितना कुछ तूने दे दिया, मेरी कमियां हजार हैं पर तेरी कृपा भी लाखों गुणा अधिक है भगवान, तेरी कृपा में कोई कमी नहीं है। तो एक एक चीज को याद करिए, धन्यवाद कीजिए, माथा टेकिए भगवान, और फिर याद करना भगवान के संकट मोचक रूप को, दुख में जो संभालने के लिए आया, मेरा डॉक्टर भी तू ही, मेरा वैद्य भी तू ही, मेरा रक्षक भी तू ही, मेरा पालनहारा तू ही, मेरा दाता भी तू ही, करुणा निदान करुणा करने वाला भी तू ही। किसी और को कभी तरस आए ना आए, लेकिन जिसको हमेशा ही तरस आया है, जिसने हमेशा ही दया की है, मेरे ऊपर अपनी रहमत बरसाई है, वो कोई और नहीं भगवान तू ही है, तुझे प्रणाम करता हूं। तो गुणगान गाइए, एक नहीं कम से कम 10 बातें ऐसी याद करो जिसको याद कर करके आप धन्यवाद करो, और एक एक पर इष्ट देव का नाम जपते जाना। मान लीजिए आप भगवान शिव को मानते हैं तो एक एक चीज को याद करना। पढ़ना चाहता था, व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तरह तरह की बाधाएं थी, सब स्थितियों में पढ़ा करके तूने मुझे डिग्री दिला दी भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रणाम 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 मेरे प्रभु प्रणाम। तो अपने इष्ट देव को बार बार याद करना, मेरा खाली हाथ हमेशा भरा रखा तूने, न जाने कहां कहां से कैसे कैसे तू देता था, काम चलते जाते थे और चलते चलते जिंदगी आज इस मोड़ तक पहुंच गई है, तो ये सब तेरी कृपा का फल है भगवान, लाख लाख धन्यवाद, प्रणाम 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 प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे गुणगान करिए। तो कम से कम 10 लिखो, और 10 को भी हो सके तो 100 तक लेकर आओ। किस किस बात के लिए धन्यवाद करो,
अब एक मजा देखना, जितना धन्यवाद करते जाओगे उतनी ही धन्यता जीवन में आती जाएगी, उतनी कृपा आती चली जाएगी। जितनी शिकायत करते जाओगे भगवान शिकायत का और मौका देते जाएंगे।